ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू ये आ गई और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो इस इक्वेशन से x निकलेगा वो ये है ना, मतलब जो इस इक्वेशन से x निकलेगा वो ये है। देखो ये इक्वेशन हमारी ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट बराबर जीरो, इसके फैक्टर करेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस एट बराबर जीरो, ठीक है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, अब यहां से x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई, x का मतलब ये है ना, तो मतलब हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 10 स्क्वायर x बराबर 1 हो गया और 2 की पावर 10 स्क्वायर x बराबर 8 हो गया। देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 स्क्वायर x बराबर 2 की पावर 0 है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 0 है या 180 है, ये कोई वैल्यू हमारे काम की नहीं है, क्योंकि x क्या है बोलो, 0 और 90 के बीच में है, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा इसको देखें, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 स्क्वायर x बराबर 2 की पावर 3, तो देखो ये हो गया 10 स्क्वायर x बराबर 3, तो देखो यहाँ पर 10 x हो गया प्लस माइनस रूट 3। ये देखो अगर हम tan x को रूट थ्री ले लें तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री पाई बाई थ्री, और ये वैल्यू हम ले सकते हैं। जबकि दूसरा केस क्या है बोलो, tan x बराबर माइनस रूट थ्री ये नहीं ले सकते, क्योंकि इससे जो x मिलेगा वो 0 90 के बीच में नहीं होगा, तो ये मेरे लिए फिर बेकार है। तो x की अकेली वैल्यू पाई बाई थ्री मिल गई, वो यहाँ पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो x मिल गया है पाई बाई थ्री मतलब 60। देखो x को 60 रखो तो साइन 60 कितना हो गया, रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 वन बाई टू, नीचे फिर रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, और x क्या आ गया 60 डिग्री, तो साइन x का मतलब साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू, cos 60 डिग्री 1 बाई टू, नीचे भी देखो रूट थ्री बाई टू 1 बाई टू, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले यहाँ पर इसको।